यहाँ से हरामजादों, मेरे घर का कूड़ा बना दिया है। हैं? घर है, कांग्रेस का ऑफिस नहीं है। निकला यहाँ से। तो ठीक है ना, निकल रहे हैं। हमारा सामान तो जो है ये चड्डी, ये ब्रा, ये सामान है तेरा। हट। ये सिमरन की है, ये कामिनी की, ये किसकी है? तेरी किसी की है क्या? अरे भाई से भाभी जी की। निकल गया। बास्टर्ड। हो गया खुश? ये सब ना तेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हुआ है? ये गोबर देख रहा है, इसमें चप्पल डुबो के मारूंगा। ये सारा लड़का तूने फिलाया है, याद दिलाऊं? दिला याद। किराया दे दो वरना घर से निकाल दूंगा। कल आखिरी तारीख है। अंकल देता हूँ ना किराया, अभी आधे घंटे में देता हूँ किराया। आधे घंटे में? सर ये माधव के लिए पार्सल है। ये मेरा है, थैंक यू। ये स्पॉइल ऐप से आपके पास कपड़े मंगवाने के लिए पैसे हैं, मगर मेरा किराया देने के लिए पैसे नहीं है। अरे ये रोज रोज लेके पार्सल आते हैं, तुम्हें फ्री में देते हैं क्या? फ्री में देते नहीं अंकल, फ्री में मिलते हैं। आप इसे कुछ भी खरीदोगे ना तो आपको 100% कैशबैक मिलेगा आपके स्पॉइल अकाउंट में। आप ये देखो, सपोज यहाँ से आपने 1000 रुपए की शॉपिंग करी, आपको उस शॉपिंग का 1000 रुपए ही कैशबैक मिलेगा, और उस कैशबैक से आप और कपड़े खरीद सकते हो, तो हुई ना फ्री में शॉपिंग। अरे वो सब तो ठीक है, मगर शाम तक मेरा किराया नहीं मिला ना तो स्पॉइल ऐप का तो पता नहीं, पर बेटे तुम्हारी लाइफ जरूर स्पॉइल कर दूंगा। आधे घंटे में देते हैं अंकल। आधे घंटे में। अब मालिक का कुत्ता कौन बेचता है, वो भी उसी को पैसा देने के लिए आया बड़ा। हाँ तो हो गई गलती, और तेरा याद दिलाऊं? तेरी तरह मुंह में उल्टी तो नहीं करता ना? पिज्जा खाना था उसे, मैं चो राजमा खिला दी और वो भी खाई हुई। हाँ तो ठीक है, नहीं झेली जाती मुझसे, क्यों पिलाई मेरे को उस दिन फिर तूने? और तू भूल गया पीतमपुरा वाला कांड? आप लोगों की आंखें फटी रह देंगी। मैंने कहा था ना आप लोगों की आंखें फटी रह देंगी। आंखें नहीं, गांड भी फट गई। गांड फट गई? ओए हराम जादे हो। अच्छा तो बस मेरी अकेले ही गलती थी, तेरे को याद दिलाऊं तेरा? क्यों नहीं आ रहा? एडिटर ने ना एडिट में गलती कर दी, इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं था, समझ आई? अब बैग उठा, चल घर ढूंढने। रब्बा और सहाना चाहे कुछ तो बोल बोल बोल, रब्बा किस्मत के दरवाजे अब तो खोल खोल खोल, मेरे सारे सपने से। प्लीज तू आगे जा, ढंग से देख के आओ।
10 साल हो गए माधवी तुझे भगवान के पास गई, पर आज भी तेरी याद बड़ी आती। ओ जग्गी, कब तक ऐसी रणवा घूमता रहेगा, रोज मेरे सामने आके रोता धोता रहता है, अब कर ले तू भी शादी। माधवी माधवी माधवी, रिटायर्ड कर्नल जोगिंदर उर्फ जग्गी सिंह, सन ऑफ लेट बड़े जग्गी सिंह, हाउस नंबर 400 बी, ये ऐलान करता हूँ कि मैं जिंदगी भर रंडवा ही रहूंगा। मेरी जिंदगी में सिर्फ माधवी थी, माधवी है और माधवी ही रहेगी। बोले 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 बेटा, ये कहां दबा रहे हो? नहीं, बजाने के लिए हमने वो रखा हुआ, ये थोड़ी है। ये तो शुक्र है हमने भोपू रखा हुआ तो तुमने यहाँ बजा दिया, हमने घंटा रखा होता तुम तो पता नहीं कहीं बजा देते। सॉरी अंकल जी, नमस्ते। नहीं नमस्ते तो ठीक है, पर काम क्या है? वो रूम रेंट पे लेना था। तुम सिंगल हो? हाँ जी सिंगल, प्योर सिंगल। बेटा दिस घर इज ओनली फॉर मैरिड कपल, सॉरी। अरे मोहन प्यारे, टीटू की जो बाजरे के किस्से है ना, चांदी चौक से ना चांद तक फेमस है, किस वजह से पूछ लिया। और टीटू बहुत ज्यादा सिंगल भी। चोर 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 चोर। साले भगवान ने हाथ पैर दिए, साले चोरी करेगा, चलते चल। बेबी अब भगवान ने हाथ पैर दिए, चोरी करेगा, चोरी करेगा। क्या हो गया भाई साहब? अरे लड़की है पर चोरी कर रहा है। मेरे चोरी नहीं, अरे मेरे चोरी करेगी, अरे पागल है, मेरे चोरी करेगी। सिगरेट और वेस्ट करवा दी। ओए हुआ क्या कुछ? यार हो तो गया। तो चल फिर। सुन ना भाई, एक प्रॉब्लम है यार। क्या? वो ना घर सिर्फ शादीशुदा को देते हैं यार। अबे यार चल कुछ और देखते हैं। सुन भाई भाई भाई, एक और प्रॉब्लम है यार। अब क्या है? वो अंकल जी, मैंने कब कहा मैं मैरिड नहीं हूँ? पर अभी तो तुमने बोला था कि तुम सिंगल हो। सिंगल? वो मेरा सरनेम सिंगल है, मायसेल्फ सिद्धार्थ सिंगल। और तुम्हारी वाइफ? वाइफ अभी रूम फाइनल कर लेते हैं, वाइफ के साथ आता हूँ शाम को शिफ्ट करने। बेटा 5,000 एडवांस लगेगा और 10,000 रूम का रेंट। ठीक है ठीक है, 5,000 हाँ पूरे हैं, शाम को आता हूँ। क्या छूटी है? क्या जरूरत थी पैसे देने की यार, बिना सोचे समझे। यार मेरी बात सही कहती थी, छुआ छूत की बीमारी और सिड़ गई यार, इधर 100 मील दूर रहे, पर नहीं, चूतिया तो मैं हूं जो तुझे अपना दोस्त मानता था। तो कोई और तरीका है तेरे पास? अबे सर इस तरीके से कौन सा हमको चिकन डिनर मिल गया यार, रोड पे पड़े नॉकआउट होके, और कोई रिवाइव करने वाला भी नहीं है। माधव भाई सुन, घर मिल गया, बीवी मिल जाएगी यार। कहां से मिलेगी बीवी? नहीं मुझे पता कहां से मिलेगी, अब 5,000 रुपए के लिए मैं शादी करूं हैं? ये सिंदूर लगा के मंगलसूत्र पहन के खुद ही बीवी बन जाऊं मैं? बीवी मिल जाएगी। सिड तेरी प्रॉब्लम क्या यार? मिल गई बीबी। कहाँ है? सिड देख 5,000 की बात है, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। माधव प्लीज, माधव भाई प्लीज, माधव भाई प्लीज, माधव भाई प्लीज, माधव प्लीज, माधव। नमस्ते अंकल जी, हम अभी से ही शिफ्ट हो रहे हैं। तुम्हारी मिसेस कितने हैं? गुलाबी आंखें जो मेरी देखी, दीवाना है दिल हो गया। संभालो खुद को जरा, पहचानो कि जीना मुश्किल हो गया। नमस्ते जी, ये मेरी वाइफ और मेरी लाइफ। थोड़ा ना की है माधव। माधवी, माधवी नाम है इनका। माधवी क्यों आगे पीछे डोलते हो भवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं पे सबरों की तरह। क्यों आगे पीछे डोलते हो भवरों की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं पे सबरों की तरह।
सॉरी सॉरी हेलो वाल अनिल कपूर की फैन हूँ ना मैं तो इसलिए मेरे पूरे शरीर में बाल हैं वो आपको दिखा नहीं सकती शुक्र है सोनम कपूर की फैन नहीं है अरे तू तमीज से बात कर बीबी है मेरी मुझको ये ना शक्ल देखी देखी सी लग रही है अंकल जी कैसी कैसी टट्टी पाली हुई है आपने टट्टी नहीं टीटू नाम है मेरा और ये मेरे बाय डिफॉल्ट जीजा जी है और बाय डिफॉल्ट ये मेरा साला है मेरी बीवी माधवी का छोटा भाई आंटी जी नजर नहीं आ रही वो आएगी भी नहीं वो गई कड़क गई एक्सपायरी वो तो कड़क गई पर इस हरामजादे को मेरे पल्ले चढ़ गई है पर अब मुझे लगता है कि मेरी माधवी वापस तो आप जीजा साला खेलो फैमिली बनाओ हम ऊपर जाके फैमिली बनाते हैं ठीक है थैंक यू बस बस दूर से थैंक यू टीटू तू चला दर तमीज बेबी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप मेरे घर के पास शिफ्ट हो गए और हम आसपास रहेंगे तो बेबी तुम्हारे लिए तो आऊँ बेबी नो शादी के बाद वे तू आगे देख पिक्चर चल रही है यहाँ पे कैसी ये कराई है तुमने तुम ना मुझसे ज्यादा लड़की लग रहे हो तो तू भी मुझे कटवा ले तू भी लड़की लगी अच्छा सॉरी बाय द वे ये शर्ट का सिली बहुत अच्छी है ये स्पॉइल से ली थी 100% कैशबैक मिल रहा है अरे भैया बस यही रोक दो आ गया मेरा घर ये तुम्हारा घर है हाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा नहीं अच्छा है बहुत अच्छा है चलो पापा से मिलने चलते हैं कभी और आऊंगा बाद में अभी अभी तुम जाओ मैं आता हूँ अगर मुझको वो टोपी वाला लड़का दिख गया था ना जिसने मेरा मारा था साले इतना मारूंगा ना इतना मारूं अबे तुम वही वाला लड़का है जिसने मेरा मारा था अरे विमल घोष मुझको अब सब समझ में आ गया क्या इस लड़के का चक्कर माधवी आंटी के साथ चल रहा है और ये कर रहा गबागब सालों को रंगे हाथ पकड़ते चलो अभी तो पैंट बांध रहा होगा अपनी चलो आ जाओ हाँ जी आंटी किससे मिला था वो बेटा मैं आपकी नई किराएदार और बहुत जल्दी होने वाली मकान मालकिन है मेरा मतलब कभी तो मकान मालकिन बनेगी ना हमेशा थोड़ी किराएदार रहेगी आंटी हमको कोई भाई भी है क्या भाई मेरा भाई क्यों होगा मेरे पास एक पति है वो भी नल्ला बेटा आपने आंटी के पैर छुए अरे ये सुंदर लड़की है ये क्यों पैर छुएगी ये तो गले लगेगी ना आजा बेटी बड़ी प्यारी बेटी है तुम्हारी तो मैं चलती हूँ ठीक है ना बिल्कुल तेरी माँ जैसी भाई कुछ और रह गया ना तो वो बता दे पहले तो तूने ये घर ढूंढा जिसकी बीवी का नाम माधवी फिर ऊपर से उसका साला जिसको मैंने पीटा और ऊपर से उसकी बेटी जो कि मेरी बंदी है भाई एक बार में मार देना इस टॉयलेट में क्यों मार रहा है मेरे को बार बार माधव भाई लाइफ में थोड़ा ऑप्टिमिस्ट बने यार ऑप्टिमिस्ट है ये 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 संतरे लगा के ऑप्टिमिस्ट बनूं मैं भाई भीड़ में जाता हूं ना तो धक्के मुक्के से डर लगता है कि किसी की टक्कर लग जाएगी ना तो इनका जूस निकल जाएगा अलग से गिलास लेके घूमना पड़ता है मेरे को भाई बात सुन तेरी बंदी ना तो छूने तक नहीं देती थी और जो तू फ्रस्ट्रेट हुआ बैठा ना इसलिए बैठा है मौका है भाई इसी बहाने प्यार से गले तो लगा पा रहा है ना उसे जो जग्गी है ना तेरे प्यार में पागल हुआ बैठा है अच्छा डिस्काउंट देगा मेरे भाई रेंट पे भाई बात तो सही कह रहा है वैसे
सुन संतरे की जगह कॉस्को की बॉल लगा दूं, वो क्या ना ठंडे बहुत लगते हैं। चल आजा समझ सकता हूँ। प्यार उम्मीदें सपने डाले तूने मन में, सारे अरमानों को जगा के ना कर झोल झोल झोल। रब्बा और सहाना चाहे कुछ तो बोल बोल बोल। रब्बा किस्मत के दरवाजे अब तो खोल खोल खोल। मालिक कभी भी आ जाएगा, जल्दी दे। तेरे को पता नहीं मैं कैसे बचाऊं भी। संतरे दे। वो तो मैं खा गया। संतरे खा गया तू? यार क्या लगाऊंगा मैं? ये माधव, माधवी का भाई। माधवी का भाई? पर उसने तो बोला था उसका कोई भाई नहीं है, ये कब आया? अभी जस्ट अभी आया हूँ। अभी? हाँ, यूएसए की फ्लाइट से इंडिया। अभी आ गले लग जा पत्थर अपने जी जाए। अंकल से, अंकल से, अंकल से। ओ, मैं क्या माधवी जी नजर नहीं आ रही? कहीं आएंगे भी नहीं। क्यों? अंदर मेकअप कर रही है ना, तो जब तक मेकअप नहीं होगा पूरा तो बाहर नहीं आएंगी। मैं बुला के ला दूं। मैं बुला के। ओ तू ठहर जा पुत्र, ए नल्ला कितने खड़ा है थे, जा बुला के ला। ट्रंप। अभी थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। कोई नहीं, मेरा केड़ा थल्ले बिजनेस चल रहा है। आजा 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 बैठो, चलो पुत्र बैठो बैठो, अपना ही कर समझो। मैं दीदी को एक बार बुला के ले आता हूँ। तेनू बड़ी काड़ी पे ये यार, भेजा तू। यू गो।
नहीं मुझे बता कैसे हैंगी दीदी, ये निशाचर देख रहे हो आप, ये साला जीजा आ गया ना तेरा। अरे वो वाला साला नहीं यार, दूसरे वाला साला। इस साले ने मेरी फूल सी बहन से लड़ाई कर रखी है, और जब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा ना वो बाहर नहीं आएगी। बाहर नहीं आएगी सेठ, सेठ वो बाहर नहीं आएगी। उस चुड़ैल ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरी बहन को चुड़ैल बोला, हराम बोला। तुम दोनों लड़ाई मत करो यार, वो बेचारी कब से अंदर भूखी बैठी है, जाओ उसको बुला के लाओ। आजा तो ये रहेगा या मैं। दीदी 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 तुमको आना होगा मेरे साथ। नहीं तू जा, वो कुछ भी हो है तो मेरे पति ही ना। दीदी पति है तो ऐसे अत्याचार करेंगे तुम पे। नहीं मैं जीऊंगी भी यहाँ और मरूंगी भी यहाँ। ठीक है मैं जा रहा हूँ फिर, बाय। क्या है तेरी वजह से ना आज मेरी बहन मुझसे लड़ी है। तू देखियो अपनी बहन के लिए तुझसे अच्छा और बढ़िया पति ढूंढूंगा। बाहर आ रही है कि मैं अंदर आऊं? नहीं तुम मत आओ, मैं बाहर आ रही हूं, आ रही हूं, आ रही हूं। माधवी और कितना टाइम लगेगा? हाँ बस आ गई, दो मिनट आ गई। कमजोर नहीं लग रही? पूरे दिन कुछ खाऊंगी नहीं तो कमजोर तो होगी ना। ओ यार इन्हां नूं कुछ खवा पिलाओ, कल नूं नहीं तो सिर्फ पिंपल ही रह जाने हैं। आज माधवी का पीछा करेंगे और वो हराम ज्यादा उसको मिलने के लिए पक्का आएगा, साले को वही दबोच लेंगे। विमल कोश, हाँ तो जोश भाई, रिवाइव कर, रिवाइव कर जल्दी। अबे उल्लू के बच्चों को भी सीरियस मत होना मेरे को लेके। वाह मेरे पीछे आओ। अबे उल्लू के बच्चों आओ यार। मैं अंदर जा रहा हूँ, ठीक है? मैं अंदर जाके देखता हूँ माधवी अंदर कर क्या रही है, और वो आरामजादा बाहर पक्का मिलने के लिए आएगा ही आएगा। जैसे ही आएगा उसको तो बोच लेना, ठीक है? तुम बाहर मेरा वेट करो। अबे तू साले मेरे जीजा जी को पागल बना रहा है। देख टिटू ऐसा कुछ नहीं, मैं तेरे को एक्सप्लेन करता हूँ। चुप जीजा जी। अबे टिटू फोन क्यों उठाया?
मिनट ही आपका फोन बज रहा है। थैंक यू बेटा। अपना अंदर जाके सब बता देगा, मर गए हम। क्या देखा उसने? बता देना ऐसा है, अपने अंदर रख, मैं सब सच बता दूंगा। देखो तू भाई, मैं तो बात सुन यार। क्या सुनूं क्या सुनूं? ऐसा है, तू यहीं रह, मैं जाके अंदर कन्फेस कर रहा हूं, तू मर। जगी जी सुनिए। ये सुनिए यार, ओ बेचारा पहले गूंगा हो गया। पर हाथी हाथी एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ, उससे इनकी आवाज़ चली गई और इन्फेक्शन बढ़ रहा था, तो इसलिए हमको इनकी हाथों की उंगली काटनी पड़ी, पैरों की उंगली काटनी पड़ी और वो भी काटना पड़ा। अब तरीका ये है कि जिस तरह से इनको चोट लगी है वैसे इनको वापस चोट लगे तो शायद आवाज आ सकती है, नहीं तो भगवान भरोसे। टिटू तू टेंशन ना ले, जिन्हें भी तेरी हालत की है ना उन्हें मैं छड्डूंगा नहीं। विमल घोष इसे तब तक मारते रहो जब तक इसकी आवाज वापस नहीं आ जाती। मैं रोक रहा हूँ, मैं जग्गी को जाके सब कुछ बता दूंगा। अब और मैं जरा साथ नहीं दे रहा इस गेम में। भाई ये लास्ट है, इसमें प्लान के हिसाब से सब कर दे। अगर एक बार नहीं हुआ ना मैं कहूँ करूँ, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, पक्का हो जाएगा। पर गंजी बाल तो लेके जा। जग्गी जी जो सिड है ना वो बहुत आरामजादा निकला, मेरे को प्रेग्नेंट करके कहता है उसको वो बच्चा नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं अपने गांव जा रही हूँ। जग्गी जी आप मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद आप मेरे भाई माधव को इस घर में जगह दोगे, क्योंकि इस पापी दुनिया में इस बच्चे और इस माँ के लिए कोई जगह नहीं है। कौन बनेगा इस औरत का सहारा? कौन बनेगा इस औरत का सहारा? मैं बनाऊंगा तेरा सहारा। बेटी ब्याह की तैयारी शुरू कर दे। बहुत सुंदर लग रहे हो और आपकी ड्रेस भी बहुत अच्छी है, कहाँ से ली? स्पॉइल से। वाओ। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, पापा का वेट कर रहे हैं, तो अब जल्दी आ जाओ। हरामजादे तू एक खड़ा खड़ा संतरा खाते रहे, माना कुछ घंटे में मेरी स्वागत है। बुड्ढे ने ना 20 साल से कुछ नहीं किया, आज तो मेरी जान ही ले लेगा। मैं तेरे भाई के पास ना सुपर प्लान है, चल कर चल। ओ भाई प्लीज अब कुछ नहीं सुनना मेरे को, तू चुप रह। कोई और तरीका है तेरे पास? नहीं ना तो सुन, तू रजिस्ट्रार ऑफिस भी जाएगा, तू साइन भी करेगा, पर तेरी शादी नहीं होगी। कैसे? जैसे तू माला डालने वाला होगा ना तेरा भाई कर देगा लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑफ होते ही तुझे उठाऊंगा, गाड़ी में बिठाऊंगा और तेरे सारे कपड़े फेंक दूंगा नदी में। मैं पागल बुड्ढे को लगेगा माधवी कहीं मर, उसके प्यार के सदमे में माधवी के भाई को कमरा तो रेंट में दे ही सकता है ना, क्या बोलता है? वैसे कह तो सही रहा तू, पर तुझे पक्का पता नहीं इधर कुछ पंगा नहीं होगा। अबे 100% श्योर जा। अरे क्यों इतनी देर कर रही हैं आप, मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। एक अभी की शादी नहीं करवानी है मुझे, बाहर इतने लोग वेट कर रहे हैं। सॉरी सॉरी। अबे सेठ साले कब करेगा लाइट बंद, स्वागत के बाद। बेटे टीटू जीजू जी को आज ऐसे बर्बाद नहीं होने देगा। साले टीटू कुछ तो कर। यार है बत्ती किने बंद करती? माधव जल्दी चल, इससे पहले कुछ देख ले। था इसलिए जान से नहीं मारा, बस अधमरा छोड़ा, घर तो गया गया, साला बंदी और चलेगी। भाई अब क्या करें?
अब तू नहीं बताएगा क्या करना है, अब मैं बताऊंगा क्या करना है, कुछ सोचने दे। सिद्धि, पूरे 20 साल हो गए तुम्हें मेरी लाइफ से गए हुए, पर आज भी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। नमस्ते अंकल जी। हाँ जी। वो किराए के लिए घर चाहिए था बेटा, ओनली फॉर मैरिड कपल्स। हाँ जी अंकल, मैं मैरिड ही हूँ। तो वाइफ कहाँ है तुम्हारी? एक सेकेंड। सिद्धि। नमस्ते अंकल जी, माई सेल्फ सिद्धि। हे गाइस, अगर आपको माधवी का कैरेक्टर पसंद है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर करें एंड कमेंट सेक्शन में बताओ आपको सेकंड पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाल बटन दबा दो और घंटा भी दबा देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। एंड गाइस, स्पॉइल ऐप को अभी डाउनलोड करो, जिसके अंदर बहुत अमेजिंग कपड़े हैं और उसके अंदर एक मेरा स्टोर है जिसपे आप वो कपड़े खरीद सकते हो जो मैंने अभी वीडियो के अंदर पहने हैं, उस पर आपको 100% कैशबैक मिलेगा। तो गाइस, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, तो कर लो डाउनलोड। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल है, इस पर आप लाइक फॉलो ट्वीट व्हाटएवर जो करना है कर दो, बस कर दो, ठीक है। Love you.